हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब क्लास लेकर आया हूँ एचएसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो एचएसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही बड़ी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एचएसएससी टॉप 500 क्वेश्चन, वन लाइनर टॉप 500, पूरी हरियाणा जीके का निचोड़ है दोस्तों। इसमें एचएससी के हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग एचएससी के हरियाणा के मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ऐसी वीडियो पाने के लिए। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा और आप अपनी हिसाब से वीडियो को चला लीजिएगा। तो हरियाणा का कौन सा जिला पनडुब्बी मोटर पंप के लिए प्रसिद्ध है? अम्बाड़ा। किस वर्ष अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से जोड़ा गया? वर्ष 1880। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? अम्बाड़ा। हरियाणा का कौन सा जिला गलीचा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अम्बाड़ा। देश के वैज्ञानिक उपकरणों का 35% या थ्रेणा किस जिले से होता है? अम्बाड़ा। नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को किस जेल में फांसी दी गई? अम्बाड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कौन सा जिला सीसा उद्योग के लिए प्रमुख था? अम्बाड़ा। हरियाणा के किस जिले में युवा होटल का निर्माण किया गया? पंचकूला। हरियाणा राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल स्टेशन कहाँ है? पंचकूला। हरियाणा का कौन सा जिला हिमालय बाउंड्री फॉल्ट जोन में होने के कारण भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? पंचकूला। पिंजौर गार्डन में प्रसिद्ध आम मेला किस महीने में लगता है? जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में। पंचकूला में कैक्टस शो का आयोजन किस महीने में होता है? मार्च महीने में होता है। भीमा देवी का मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? पंचायत शैली का शिव मंदिर। भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? चंडी मंदिर पंचकूला। रामगढ़ का किला कौन से जिले में है? पंचकूला में। इसके दरवाजे की ऊंचाई 37 फुट है। सरस्वती नदी शोध संस्थान स्थित है आदि बद्री यमुनानगर। कुरुक्षेत्र में कितने धार्मिक स्थल हैं? 360 धार्मिक स्थल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीकंठ जनपद की राजधानी थानेसर किस धार्मिक स्थल पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी? वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है? लाडवा कुरुक्षेत्र। पुरुषोत्तम पार्क, तपोवन पार्क, हर्षवर्धन पार्क कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र। रोनोमा में और विज्ञान केंद्र कौन से जिले में है? कुरुक्षेत्र। किस जिले को हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है? कैथल। हरियाणा का एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं? टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में है ये भी। लवकुश महातीर्थ कौन से जिले में है? मुंदड़ी गांव कैथल। हरियाणा का कौन सा जिला रेवड़ी और गच्चक के लिए प्रसिद्ध है? रोहतक जिला। गऊ कर्ण तालाब कौन से जिले में है? रोहतक में। समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? भोर गांव रोहतक में। ज्ञानी चोर की सुरंग बावरी कुई सड़क का झरना हरियाणा में कहाँ पर है? महम रोहतक में। ऐतिहासिक 24 इंच बूतरा हरियाणा में कहाँ पर है? महम। मानसरोवर पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? रोहतक में। किस युद्ध के पश्चात नादिर शाह अपने साथ शाहजहाँ का म्यूर सिंहासन और कोहिनूर हीर ने ही ले गया? करनाल युद्ध। करनाल का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिबर्टी शूज का जन्मदाता शहर कौन सा है? करनाल। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हरियाणा में कहाँ पर है? मधुबन। हरियाणा राज्य की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली गई? खरौंडा करनाल में। हरियाणा राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अंजन थरी गांव में। और पक्का मकबरा कौन से ज़िले में है? करनाल में। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? कुंजपुरा करनाल में। हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पानीपत। भारतीय सेना के लिए ऊनी कंबलों का 70% कौन सा जिला पूरा करता है? पानीपत। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? भरौली गांव पानीपत में। हरियाणा का कौन सा जिला पंचतरंगा अचार डिब्बा बंद सूखी सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है? पानीपत। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र लोहा ढलने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? समालखा पानीपत। हरियाणा के किस जिले में शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय है? पानीपत में। नया प्लास्टिक पार्क कौन से जिले से संबंधित है? पानीपत। हरियाणा का पहला अन्नापूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कौन से जिले से खोला गया? पानीपत। हरियाणा में कहाँ पर बियर उत्पादक कारखाना स्थित है? मरुस्थल सोनीपत। हरियाणा में कहाँ पर अप्रैल से जून तक तरबूज और खरबूजे की खेती की जाती है? सोनीपत। मोतीलाल नेहरू
विद्यालय कहाँ पर है? राई, स्थापना जुलाई 1973 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग हरियाणा में कौन से जिले से संबंध रखते हैं? बिसाहन, जज्जर। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? मातेनहाल गांव जज्जर। हरियाणा कौन सा जिला जज्जरी सुराही के लिए प्रसिद्ध है? जज्जर। विश्व का सबसे बड़ा टोल गेट हरियाणा में कहाँ पर? गुड़गांव में। सोहना किला गुड़गांव में। दोस्तों हरियाणा के किस कुंड के जल में औषधीय कुंड पाए जाते हैं जिसे चरम रोग ठीक हो जाता है? सोहना कुंड में। हरियाणा का पहला खाद बैंक गुरुग्राम में है। दोस्तों हरियाणा में पहले बड़ी मात्रा में नमक पाया जाता है फरूखनगर गुड़गांव में। बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क गुड़गांव में है। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क गुड़गांव में है। रतन आभूषण पार्क गढ़ी हरसरू गुड़गांव में है। महात्मा गांधी पार्क नुह में है। नुह जिले में कौन सी जाति पाई जाती है? मेव जाति। नुह जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? घासेड़ा गांव। नुह जिले का उपमंडल फिरोजपुर जिसका किस राज्य को तीन ओर से घेरे हुए? राजस्थान। हरियाणा कौन सा जिला मेहंदी हिना के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक मलिन बस्ती की जनसंख्या हरियाणा के कौन से जिले में? फरीदाबाद। हरियाणा में किशोरी महल कहाँ पर है? होडल पलवे में है। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है। हरियाणा में महात्मा गांधी आश्रम कौन से जिले में है? पलवल में है। हरियाणा में किस स्थान से हाथी के पिंजर मिले हैं? ओथा नामक स्थान पलवल से है। और बाघ वाला तालाब हरियाणा में कौन से ज़िले में है? रेवाड़ी में है। हेमू हेमचंद्र की वर्तमान हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? कुतुब मीनार रेवाड़ी में है। और स्वामी दयानंद रेवाड़ी पहुँचने पर सर्वप्रथम किसका निर्माण करवाया? गौशाला का निर्माण करवाया। च्यवन ऋषि की स्मृति में नारनौल में मेला कब लगता है? सोमवती अमावस्या। च्यवन ऋषि को किस समुदाय का संस्थापक माना गया? भार्गव समुदाय का। मराठा शासक दत्तात्रेय टोपे ने हरियाणा में कहाँ पर किले का निर्माण करवाया? महेंद्रगढ़ में। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ? हिसार में। कौन सा जिला हरियाणा में अग्रवाल समाज का केंद्र रहा? अग्रवाल हिसार। हंसीगढ़ का किला निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। हंसी का किला किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए। हंसी क्षेत्र किस मिठाई के लिए प्रसिद्ध है? पेड़ा। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हिसार। और सिसवाल सभ्यता की चित्रकारी कैसी थी? काले और सफेद रंग की। आगे है दोस्तों, किस मजार के प्रांगण में भी पत्थर हुमायूं का विलेख लिखा हुआ है? मीर साहेब मजार में। हरियाणा का कौन सा जिला सूती धागे के लिए प्रसिद्ध है? फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिले का महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? जाखड़ फतेहाबाद में। हरियाणा की किस मिल का कपड़ा बांग्लादेश बेल्जियम तुर्की देशों में भेजा जाता है? भिवानी टेक्सटाइल मिल। हरियाणा में स्टार बिल्डिंग कौन से जिले से संबंधित है? भिवानी। सैमसर सरोवर हरियाणा में कहाँ पर है? भिवानी। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा सिरसा। सिरसा जिले में सर्वाधिक जनसंख्या किस समुदाय की है? सिख समुदाय की है। सिरसा की मझियाना परियोजना किससे संबंधित है? भगवानी। मझियाना परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई? इसराइल देश से। रायना क्षेत्र किस क्षेत्र के जिले के अंतर्गत आता है? सिरसा। किस जिले की भूमि को ओयलिन भूमि के नाम से जाना जाता है? जींद। रानी सेबराही किस राज घराने से संबंधित थी? जींद। हरियाणा में कहां पर 12 नवंबर 1996 को विमान दुर्घटना हुई थी? चरखी दादरी। हिलना पत्थर डोसिंग स्टोन लरजत्ता पत्थर कहां पाया जाता है? कलियाणा गांव चरखी दादरी। हरियाणा में रानी तालाब कौन से जिले से संबंधित है? जींद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का प्रादेशिक नाम भरमावरत बौद्ध ग्रंथ दीवान में किसका उल्लेख मिलता है? अग्रोवा रोहतक। हरियाणा का प्राचीन स्थल मिथाथल किस जिले में संबंधित है? भिवानी। किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? मंजीमनिकाय दिव्यावदान। हरियाणा किस स्थान से कुष्णकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए? मिथाथल भिवानी से। हरियाणा किस स्थल से योद्धेकालीन सांचे मिले? खोखरा कोट रोहतक। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से प्राप्त पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्रय गणराज्य था? बरवाड़ा अग्रवा। हरियाणा के एक सेंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर विचित्र पशु अंकित है जिसका धड़ सिंह की तरह और सिंह बैल की तरह है? बनावली फतेहाबाद।
हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रण की राजधानी थी? अग्रोवा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा किस नगर का वर्णन किया? थानेसर। महाभारत में कुनुकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? अग्रोवा रोहतक। हरियाणा किस स्थान से नवपाषाण कालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं? सीसवाल। हरियाणा किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? नवपाषाण काल। किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? नुकुल दिग्विजय। किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? मिथाथल। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? भ्रमावत, भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर्षि, भ्रमा की उत्तर देवी। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध हरियाणा किस स्थान पर दिया गया? ज्योतिषर सरोवर। अयोध्या काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? बहुधानक प्रदेश। मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र कहा गया? सरस्वती, त्रिशदवती। इस अभिलेख में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख मिलता है? अग्रोवा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले? रोहतक। कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में? उत्तर प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश है? दिल्ली। कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में? पंजाब। हरियाणा किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थिर है? उत्तर पूर्वी। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है? पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला। हरियाणा किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? पंचकुला। मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर करोह चोटी है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? मेवात। अरावली की क्षेत्रीय हरियाणा किस भाग में स्थित है? दक्षिण। कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक भाग है? मैदानी भाग। स्थानीय भाषा में हरियाणा के गिरिपाद मैदान को क्या कहते हैं? घर कंधी। हरियाणा किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग? नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताज कुलग्राम में है, जो 652 मीटर ऊंचा है। अरावली भाग। कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों मोहनपुर और जीतगढ़ से निकली है? साहिबी नदी। गगर नदी का उद्गम स्थल डागसर स्थान। मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? टांगरी। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा। सिद्ध भटकल जी हरियाणा किस जिले से स्थित है? फरीदाबाद। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? यमुना नदी। नित्यवाही नदी कौन सी है? यमुना नदी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने थानेसर का आक्रमण कब किया? 1014 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ? मोहम्मद गोरी। किसके शासनकाल में हरियाणा के अथल में भयानक विद्रोह हुआ? बाबर। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर में मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी? गोवाणा। हेमू किस तिथि को दिल्ली का हिंदू सम्राट बना? 7 अक्टूबर 1556 में। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? बहरमपुर। संतकालीन राजपूत शासक मोहम्मद सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर है? कैथल में है। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? हांसी का दुर्ग। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में शहर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? रोहतक। रोल्ट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ? अम्बाड़ा। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया? हिसार। हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नाभिया अकाल कहा जाता है? 1833 से 1834 ईस्वी। हरियाणा में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अम्बाला छावनी से। 1857 क्रांति के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? गुरुग्राम। 1880 में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की शाखा स्थापित की? रेवाड़ी। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? रोहतक। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा में किस जिले में? यमुनानगर। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर शुगर मिल है? शाहबाद। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ? फरीदाबाद। मारुति कारों का निर्माण गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको ऐसी ऐसी वीडियो चाहिए तो। और ये जो वीडियो बन रही है ये बहुत ही मतलब
एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करें इसको। लिबर्टी जूते उद्योग कहाँ पर है? करनाल में। पानीपत के बहरौली क्षेत्र में कौन सा कारखाना है? तेल शोधक कारखाना। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1973 में। कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है भौंकने वाले हिरण के लिए। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक उत्पत्ति सब्जी कौन सी है? आलू। आलू सर्वाधिक किस जिले में होता है? क्षेत्र यमुनानगर। मुर्रा नस्ल की भैंसों को हरियाणा में क्या कहते हैं? काला सोना। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। हरियाणा में सर्वाधिक किस फल की खेती की जाती है? आम की। हरियाणा में सर्वाधिक आम की बागवानी अम्बाड़ा। हरियाणा किस जिले में आम की बागवानी नहीं है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में आम मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में। बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? पहला। हरियाणा किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? करनाल को। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? 2007-2008 में। रजनीगंधा फूल की खेती हरियाणा में कौन से जिले में की जाती है? फरीदाबाद में। रेलवे कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप हरियाणा में कहां पर है? यमुनानगर में। रेलवे कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 में हुई थी। मैग्नीज खनिज हरियाणा में कहां मिलता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है? 45 सेंटीमीटर। हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? दक्षिण पश्चिमी भाग में। प्रदेश में मोरने की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पथरीली। हरियाणा के मैदान भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? यमुनानगर। प्रदेश की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? टांगरी नदी। हरियाणा की सबसे प्राचीन एवं प्रमुख नहर पश्चिमी यमुनानगर नहर। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? बागड़ा नहर से। प्रदेश के फरूखनगर में कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर झील। प्रदेश में भिवानी नहर किस जिले में निकाली गई? भाखड़ा नहर से। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? 1947 में। जिला रेवाड़ी से किस स्थान पर स्लेट पत्थर बहुत मात्रा में मिलता है? कुंड नामक स्थान पर। जिला भिवानी में किस स्थान पर भारत की हिंदू जिंक लिमिटेड नामक कंपनी किस बहुमूल्य खनिज की खोज में काम कर रही है? तो सामने किस वर्ष मॉडल के रूप में हरियाणा प्रदेश में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना शुरू की गई? 1989 से 1990। प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया? यमुनानगर। प्रदेश के किन जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? फरीदाबाद हिसार। हरियाणा में औषधि वृक्षों के रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? 1 नवंबर 2003 में। जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना। हरियाणा के जिन जिले में कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है? शीशम की करोर सफेदा के। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्रॉफ्ट मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड फरीदाबाद में। सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला कब लगता है? फरवरी में लगता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? यमुनानगर। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भौर सुल्तानपुर क्षेत्र। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पिंजौर में। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? झाबुआ रेवाड़ी में। हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जनतपाली महेंद्रगढ़ में। और जो इसमें मेन क्वेश्चन दोस्तों वहीं करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अक्षांश और देशांतर का तो आपको पता ही होगा। कौन सी नदी हरियाणा में पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से लगती है? यमुना नदी। वह कौन सा प्रदेश जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए? हरियाणा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात 879। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष व अनुपात सबसे कम है? हरियाणा। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? कैथल। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? 1240 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? महेंद्रगढ़। शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों, पानीपत के बारे में आपको पता होगा, अगले क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। हरियाणा में कितने मंडल है?
अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो दोस्तों ये हो गए 6 मंडल, हरियाणा में 6 मंडल है। गुरुग्राम मंडल में कौन से ज़िले हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। अम्बाला मंडल में कौन से ज़िले हैं? अम्बाला, यमुनानगर, पंचकूला, क्षेत्र रोहतक में है रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। हिसार में है हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने ज़िले शामिल थे? 7 जिले। हरियाणा का 21वां ज़िला कौन सा है और कब बना? पलवल, 15 अगस्त 2008 को। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? जेसी शाह आयोग ने। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, बाढ़सा, झज्जर। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा किस जिले में स्थापित किया गया? सिरसा में। हरियाणा के दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? अरावली पहाड़ियों का। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ? 18वें। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 17वें। इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है पानीपत में। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है रेवाड़ी में। हरियाणा के किस जिले में सरसा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? महेंद्रगढ़ में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में। किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? फरीदाबाद में। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया? 1967 में। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं दोस्तों। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई? 8वीं पास। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? हरियाणा। हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? साक्षी मलिक को। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में श्रवण और रजत कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई? 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़। गौ संरक्षण गौ संवर्धन कानून हाल में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? हरियाणा। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा परियोजना की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया? थारी पेंशन, थारे पास। हरियाणा कितने जिले NCR में आते हैं? 14। देश की पहली CNG ट्रेन कहां से चली थी? रेवाड़ी से। हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना हरियाणा में दारूहेड़ा रेवाड़ी। पशुओं का सबसे बड़ा मेला जाजगढ़ झज्जर में। हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंददास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल में। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? शाही फरीदाबाद, शाही फरीदाबाद में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा किस स्थान पर था? अम्बाड़ा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1981 में। भिवानी में। हरियाणा का क्षेत्र प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? 1.34%। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 1976 में हुई थी। दोस्तों लगातार मैं आपको ये प्रश्न कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। हथिनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर स्थित है? यमुनानगर में, यमुना नदी के किनारे। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधानक प्रदेश। ये दोस्तों दोबारा लिया प्रश्न, हरियाणा केसरी कौन करा था? पंडित नेगीराम। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गुड़गांव। शीतला माता मंदिर गुड़गांव। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना? फरीदाबाद में। भाषा में लिखा गया हरियाणा में भाषा में चढ़ू फ्री। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए? अम्बाड़ा। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पानीपत हरियाणा। जमींदार लीग की स्थापना किसने की? चौधरी छोटूराम ने। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 135.6 किलोमीटर। सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? रेवाड़ी। कुंजपुरा में सैनिक स्कूल किस वर्ष बना? 1961 में। हरियाणा बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? करनाल में। गोरखपुर परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बना जाना प्रस्तावित है? जसौर खेड़ी झज्जर। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन सी? चंद्रावती। हत्यावाद सर शहर 1352 में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा में किस स्थान पर
प्रतिवर्ष आतम आम उत्सव मनाया जाता है। यादवेंद्र उद्यान पिंजौर में। अम्बाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में सीही में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समालगल अकबर के समतान साहिब गुरुद्वारा जींद में। दोस्तों हरियाणा मंदिर साहिब का गुरुद्वारा कैथल में है। कौर और पांडवों की युद्धभूमि कुरुक्षेत्र। हरियाणा राज्य पर चौहान शासक आणो राजा ने कब आक्रमण किया था? 1831 ईस्वी में। थानेश्वर पर मोहम्मद गजनीन ने कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू हुआ? 1987 में। हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 19.90%। पंडित जसराज हरियाणा किस जिले संबंधित है? हिसार से। किस जिले का मुख्यालय किसी दूसरे शहर में है? महेंद्रगढ़ का नारनौल में। हरियाणा का कौन सा गांव प्रथम सीएफएल मतलब गांव बना? बिनौला गांव गुरुग्राम में। हरियाणा के किस रेल मार्ग को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा प्राप्त है? कालका रेल मार्ग को। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नगर नहर। NCR के अंतर्गत हरियाणा का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल आता है? लगभग 57%। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी नदी। जब हरियाणा राज्य गठन हुआ था विधानसभा कितने सीटें थी? 54 सीटें। हरियाणा विधानसभा में नंबर सीटें 21 वर्ष की गई 1977 में। हरियाणा में लोकसभा कितने सीटें हैं? 10। हरियाणा में राज्यसभा कितने सीटें हैं? 5। भारत सरकार ने भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यसभा राज्यों के पुनर्गठन के कौन सा आयोग बनाया गया? सैयद फजल अली आयोग। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। हरियाणा राज्य में बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में है। भाबर के काल में हरियाणा किन शहरों सरकारों ने बनाया हुआ था? दिल्ली में हुआ, हिसार और ये शायद आगे मिट रहा। दोस्तों भारतीय किस राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का बचपन का क्या नाम था? रीमा लांबा। नहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? रेवाड़ी। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? 1,50,000 रुपये। फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गाँव में ऐसा ऊर्जा संयंत्र लगाया गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? 1887 ईस्वी में। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? 1888 में। लाजपत राय हिसार से। लाहौर कब आए? 1892 में। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1937 ईस्वी में। हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना? 1858 में। पंजाबी सूबे की मांग के प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई? 1948 ईस्वी में। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 1949 ईस्वी में। हरियाणा राज्य अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? पंडित भगवत दयाल शर्मा। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2002 में। हर्ष किस वर्ष वंश का शासक था? वर्धन वंश का। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? भिवानी। हरियाणा कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? कैथल। ये दोस्तों भिवानी जो अपने मंदिरों के कारण है और कैथल है नौकरा कुंड के कारण। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादी लाल कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष 1991 में 1966 में बने? हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नौ देवी। हरियाणा का लोह पुरुष कौन था कहलाता है? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा में उन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? 1910 ईस्वी में। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहली पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? पानीपत। ये दोस्तों प्रश्न दोबारा आ गया है, जो इनमें मैन है वो बता देता हूँ मैं। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 31 मई 1966 को। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया? 18 सितंबर 1966 को। हरियाणा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कौन है? भारत भूषण भारती। ढोसी की पहाड़ी जो चवन ऋषि से संबंधित है किस जिले में? महेंद्रगढ़।
लगातार दो एशियाई खेल 1976 और 70 के स्वर्ण विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस जिले खेल से है? बॉक्सिंग। प्रीतम राणी ठकराण का संबंध किस खेल से है? हॉकी। हरियाणा कौन सा नगर बॉक्सिंग की नगरी कहलाता है? भिवानी। हरियाणा किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? फतेहाबाद। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों किस नाम से दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। हरियाणा में खेलो लाइफ दूसरे क्वेश्चन जो इसमें मैंने वो बता देता हूँ मैं। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना 1973 में। प्रथम स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक। महाराणा महाभारत की राज रचना महर्षि वेद व्यास ने हरियाणा किस नगर में की थी? कुरुक्षेत्र। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? नल्लड़। माधोगढ़ का किला किस जिले में? महेंद्रगढ़। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है? राई में। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी? संतोष यादव। हरियाणा की इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? बिनौला। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर